नमस्कार, मैं हूं कॉमिकर और मैं बहुत दिनों से एक कंपैरिजन वीडियो लाने की सोच रहा था। तो आज हमारे इस बैटल रिंग में दो क्रॉस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स है, यानी कि एमसीयू से कल ऑब्सिडियन और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से डूम्सडे। तो बिना इस वीडियो को पर्सनली लिए और बिना ऑडियंस को नुकसान पहुंचाए, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं इन दोनों ही सुपर विलन्स की ओरिजिन से। तो कल ऑब्सिडियन या को ब्लैक डॉट फिजिकली थैनोस का सबसे पावरफुल चाइल्ड है और ये ब्लैक ऑर्डर का मेंबर भी है, जो थैनोस को अपने इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करता है। कल ऑब्सिडियन अपने सिबलिंग्स के साथ अर्थ पे हमला करता है, जहां ये पहले ग्रीनविच विलेज में एवेंजर्स के साथ लड़ता है, फिर वकांडा में और आखिर में फिर से एवेंजर्स के नए बेस पर लड़ता है, जहां ये पास्ट में से फ्यूचर में थैनोस के साथ आता है। अब थैनोस कल ऑब्सिडियन और बाकी ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स को अपने साथ कैसे रिक्रूट करता है, ये तो हमने एमसीयू में नहीं देखा है। लेकिन जैसे उसने नेबुला और गमोरो को अडॉप्ट किया है, वैसे ही उसने ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स को भी अडॉप्ट किया होगा। अब बढ़ते हैं डूम्सडे की तरफ। तो डूम्सडे एक म्यूटेटेड ह्यूमन क्रिप्टोनाइट हाइब्रिड है, जिसे लेक्स लूथर सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाता है। लेक्स लूथर डूम्सडे को एक अबेंडेंड क्रिप्टोनाइट शिप के जेनेसिस चेंबर में जनरल जॉर्ड के बॉडी और अपने खून से बनाता है। वो वहाँ एक लॉन्ग फॉरबिडन एंशिएंट प्रोसेस को कम्प्लीट करता है, जिसका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन को खत्म करना होता है। डूम्सडे इतना पावरफुल होता है कि वो एपोकैलिप्टिक लेवल की डिस्ट्रक्शन को भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसे बस इसी रीजन से बनाया होता है। ये मॉन्स्टरस बीइंग अपने ब्लडलस्ट और डिस्ट्रक्शन की डिजायर की वजह से नियरली अनस्टॉपेबल है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसके लिमिटेड इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज को समझने के कैपेबल नहीं है। अब अगर हम इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, तो कल ऑब्सिडियन के जाइंट साइज की वजह से उसके पास एक इनक्रेडिबल लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो सीमिंगली हल्क के स्ट्रेंथ के सिमिलर है, लेकिन हल्क की स्ट्रेंथ उसके एंगर पे डिपेंड करती है, तो ये इमेजरेबल है। वही इसके सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये आयरन मैन के न्यूमरस ब्लोज को झेल पाया था। ऊपर से इसके रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर ने इसे किसी भी बैटल में एक अपर हैंड दिया है। लेकिन ये जो इसका रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, वो इतना भी एडवांस नहीं है कि ये अपने कटे हुए हाथ को फिर से रीग्रो कर सके। वही इसके अगर हम एबिलिटीज की बात करें, तो कल ऑब्सिडियन एक मास्टर कॉम्बेटेंट है और उसे हैमर यूज करने में मास्टरी हासिल है, क्योंकि जिस तरह से वो अपने चेन हैमर को यूज करता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब इसके पावर्स की बात करें, तो डूम्सडे के म्यूटेटेड हाइब्रिड फिजियोलॉजी की वजह से ये सुपरमैन को सरपास करता है, जहां इसके पास ट्रेमेंडस लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। मतलब ये इतनी ज्यादा है कि ये वर्चुअली इनकैलकुलेबल है। सुपर जंप्स, सुपर ह्यूमन स्पीड सुपरमैन जितनी नहीं, लेकिन मे बी वंडर वुमन जितनी। और इतना ही नहीं, इसके पास इतना सुपर ह्यूमन स्टेमिना है कि वर्चुअली इनएग्जॉस्टिबल है। मतलब ये कि ये नेवर एंडिंग है, ये ना इनवल्नरेबल भी है, क्योंकि इसका रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर और रीजेनरेटिव इवोल्यूशन इसे किसी भी इंजरी को रिकवर करने के लिए मदद करता है। इवन ये मेगाटन न्यूक और स्पेस से गिरने के बाद भी जिंदा बचता है। इतना ही नहीं, ये खुद को इवोल्व भी करता है, और इसके एनर्जी एब्जॉर्प्शन की ताकत इसे किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कैपेबल बनाता है। और ऊपर से इसके इलेक्ट्रोकाइनेसिस की वजह से ये जब भी खुद को हील करता है, तब ये इमेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज करता है। और इसकी आखिरी पावर है इसके हीट ब्लास्ट, जिसे ये अपने आईज और माउथ से रिलीज करता है, जो किसी भी क्रिप्टोनियन के हीट विजन से बड़ी और डिस्ट्रक्टिव है। और रही इसकी वीकनेस की बात, तो इसकी कोई भी फिजिकल वीकनेस नहीं है, लेकिन अगर मेंटली देखें तो ये उतना भी स्मार्ट नहीं है, जिसकी वजह से मे भी इसे माइंड कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमारे कंपेटिटर को ये कहा आता है, सो नो वरीज। अब अगर हम डूम्सडे के वीकनेस को देखें, तो डीसी के एक्सटेंडेड यूनिवर्स में वो क्रिप्टोनाइट और उसके रेडिएशन से वल्नरेबल है। अब ये कॉमिक्स में भी वल्नरेबल था, लेकिन वो उसे ओवरकम करता है, जिसके बाद उसमें कोई भी वीकनेस नहीं बचती। अब कोई भी कैरेक्टर उसके बस नाम से बड़ा नहीं होता, वो उसके काम से भी बड़ा होता है, क्योंकि कोई कैरेक्टर कितना पावरफुल है, ये हमें तभी मालूम पड़ता है जब हम उसके इम्प्रेसिव फीट्स या कहो पावरफुल मोमेंट्स को देखते हैं। तो इस बैटल रिंग के एपिसोड में हम भी कैरेक्टर्स के पावरफुल मोमेंट्स को पॉइंट आउट करेंगे। तो कल ऑब्सिडियन ने आयरन मैन के मल्टीपल अटैक्स को झेला है, प्लस उसने अपडेटेड हल्कबस्टर आर्मर को भी टक्कर दी है, और उसका आर्म भी ऐसे तोड़ा है जैसे वो कोई प्लास्टिक का खिलौना हो। अब ये इम्प्रेसिव इसलिए है क्योंकि टोनी ने इसी आर्मर से गुस्सेल हल्क को शांत किया था। अब बात करें डूम्सडे के मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स की, तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की मूवी में वो मल्टीपल एक्सप्लोजन्स और स्पेस से गिरने के बाद भी जिंदा बचता है, प्लस वो सुपरमैन को खत्म करने में कामयाब हुआ है। वो सुपरमैन जो पूरे डीसी कॉमिक्स का सबसे पावरफुल और स्ट्रांगेस्ट सुपर हीरो है, जिसे कोई बुलेट या न्यू एक खरोच तक नहीं दे सकती। अब इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ स्पेशल अपडेट्स है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक हमारे इस तूफानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।
अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि इनमें से कौन जीतेगा। तो यार देख लो, इसका क्लियरली एक ही विनर है जिसको आप लोगों ने अभी तक गेस भी कर लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इसका विनर है डूम्सडे, क्योंकि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो डूम्सडे की पावर इतनी ज्यादा है कि उससे कल ऑब्सिडियन नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह कल ऑब्सिडियन डूम्सडे को टक्कर देने के काबिल हो गया तो वो सारी उम्र डूम्सडे से नहीं लड़ सकता, वो किसी न किसी दिन जरूर थक जाएगा और अल्टीमेटली बैटल में चोट खा खा के मर जाएगा, क्योंकि ना तो उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि वो अपने लिम्स को फिर से रीजनरेट कर पाए, और ना ही उसके पास हीट विजन है या लॉन्ग लास्टिंग स्टेमिना है जिससे वो डूम्सडे को हरा पाएगा। तो बस अगर हम इन्हीं रीजंस को देखें तो इससे क्लियरली हमें हमारा विनर मिलता है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। और वीडियो खत्म करने से पहले हमारे कुछ स्पेशल अपडेट्स। अब हाल ही में स्पाइडरमैन 3 के कुछ सेट फोटोज रिवील हुए थे जिसमें टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर ज़ेंडाया के एमजे से मिलने जाता है और उसके हाथ में एक लेटर भी है जिसे देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि मे बी एमजे किसी होटल या कैफे में काम करती है, और ये सीन प्रोबेबली क्रिसमस के टाइम का है क्योंकि कैफे के बाहर हमें मैरी क्रिसमस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट है एक्टर पॉल बेटनी की तरफ से, और उनका ये कहना है कि इस ऑनगोइंग वांडाविजन की सीरीज में हमें एक सीक्रेट एक्टर देखने को मिल सकता है जो सभी फैंस के लिए एक सरप्राइज होगा। तो मे बी ये क्विकसिल्वर, डॉक्टर स्ट्रेंज या एक्समैन में से कोई हो सकता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वांडा विजन आगे कनेक्ट होने वाला है, तो मे बी उन्हीं कैरेक्टर्स में से कोई एक होगा। और इस वीडियो का लास्ट अपडेट ये है कि हाल ही में कुछ रूमर्स आए हैं कि सुपरमैन और विचर को प्ले करने वाले एक्टर हेनरी कैविल एमसीयू में कैप्टन ब्रिटेन का रोल करते हुए देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं आपके लिए और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लाइफ इज गुड but it can be better pehle likha jo bhi aaya mere gmail kare maine email bheje maine demo sare bas karne lage bheje mein tha doubt sala bas kaise bane puri se tabahi mere lashkar gale rap nahi maine rap diye kabhi diye nahi effort diye sab kara akele jahan 10 jane